हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे सेफ्टेक टेक्निकल एनालिसिस में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से कमोडिटी मार्केट में क्रूड ऑयल और सिल्वर की एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे क्रूड ऑयल का डाउन साइड में कहाँ पे सपोर्ट है, जहाँ पे जिस लेवल पे अगर आता है तो एक बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी देखी जाएगी और कौन से लेवल पर रेजिस्टेंस फेस करेगा। एज फॉर आवर गैन एंगल कैलकुलेटर और गैन सेक्रेट कैलकुलेटर, उससे पहले मेरा डिस्क्लेमर है कि जो भी मेरा व्यू और लेवल होते हैं ओनली फॉर एजुकेशनल लर्निंग पर्पज से, ना कि ट्रेडिंग पर्पज से। ट्रेड करने से पहले जरूर स्टडी एनालिसिस कर लें, क्योंकि दिए हुए लेवल पे कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं या ट्रेडिंग डिसीजन लेते हैं उसमें हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। तो क्रूड ऑयल की क्लोजिंग पिछले फ्राइडे की जो क्लोजिंग हुई है ऑलमोस्ट वहीं पे क्लोज ओपन हुआ है, 4329-4325 के आसपास स्ट्रगल कर रहा है। एज फॉर गैन एंगल एनालिसिस, क्रूड ऑयल का क्या लेवल है, तो सबसे पहले क्रूड ऑयल का ओपन करेंगे हम मिनी या बड़ा वाला, दोनों प्राइस लगभग सेम ही होते हैं। और यहाँ पे बाइंग लेवल जो जनरेट होगा 38-39 के ऊपर और 60 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और 73, अगर 60 के ऊपर सस्टेन करता है, 62 का हमारा पिछले वीक का हाई है, तो उस हाई को जैसे ही हम ब्रेक करेंगे लगभग 4373 की तरफ जा सकते हैं। और नीचे 4316 का लेवल नहीं टूटना चाहिए, अगर नीचे की तरफ जाते हैं तो 4280 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं टूटना चाहिए। और लास्ट सपोर्ट जो है 4270 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। एज फॉर गैन सेक्रेट कैलकुलेटर के बेसिस पे क्या लेवल निकल के आया है, रिस्क रिवार्ड सपोर्ट के आसपास खड़ा है, 4320 के नीचे नहीं फिसलना चाहिए। 4308 का लेवल टूटते ही हमारा जो 7370 का जो मैंने बोला था वहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और यहाँ पे आता है तो फिर से हम बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं 4300 के आसपास के लिए, और क्योंकि ये इस लेवल में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और 4343 ये लेवल और 4355 के लेवल कटते ही हम ऊपर के साइड में जाएंगे। तो अगर किसी को यहाँ पे पोजीशन बनाना है तो रिस्क रिवार्ड फेवरेबल है, 4320 का लेवल नहीं टूटना चाहिए और हम 4355, 4362 और 4360 और 70 का लेवल टूटेंगे तो हम 4390 की तरफ जा सकते हैं। ये रहा क्रूड ऑयल के लेवल एनालिसिस। अगर हम सिल्वर की एनालिसिस करेंगे तो सिल्वर की जो लेवल है वो क्या बोलता है, गैन एंगल के हिसाब से 37,500 के ऊपर 37,600 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस करेगा और 600-650 और नीचे जो सपोर्ट है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 37,100 के आसपास। और एज फॉर सीक्रेट कैलकुलेटर 37,500 के ऊपर आसपास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, नीचे 37,300 का लेवल टूटता है तो 37,150 के आसपास बाइंग अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है। और ऊपर में जो प्रॉफिट बुकिंग है 37,500 से लेकर के 37,650 के जोन में, ये रेंज बाउंड ट्रेडिंग कर रहा है। एज फॉर लेवल एनालिसिस सिल्वर और कमोडिटी का हमने ये देखा कि रिस्क रिवार्ड फेवरेबल है बाई के लिए और शॉर्ट स्मॉल रेंज में ही ट्रेड करेंगे, तो छोटे से प्रॉफिट के लिए, छोटे से रेंज के लिए आप ट्रेडिंग डिसीजन अपने स्टडी एनालिसिस पे ही लें, ना कि हमारे लेवल पे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और कोई भी सवाल है तो आप इस कॉमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।